वेलकम बैक गाइस टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिलैक्स वाली वीडियो किस तरह बना सकते हो अपने इनशॉट ऐप पर। तो सबसे पहले आपको इनशॉट ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद वीडियो में चले जाना है और यहां से आपको वो वीडियो चूज कर लेनी है। यहां पर आप देख सकते हैं हमने अपनी वीडियो ले ली है। और अगर आप ब्लैक इफेक्ट वीडियो किस तरह लगाते हैं ये जानना चाहते हैं तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, इस पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं और अपनी किसी भी वीडियो पर बना सकते हैं। यहाँ से आपको इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आपको उसके लगाने के लिए आप एक सबसे पहले टेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपने लिरिक्स की पहली लाइन लिख लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप कैसे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको म्यूज़िक में चले जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो में चले जाना है, यहाँ पर जाके एक्सट्रैक्ट कर। इस वीडियो में म्यूज़िक नहीं है, मैंने ऐसी ही वीडियो ले लिया कोई भी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक से कॉपीराइट भी आ सकता है। तो आप इस तरह ले सकते हो, यहाँ पर टिक पे क्लिक करके यहाँ पर आपका म्यूज़िक आ जाएगा। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट ले में चले जाना है और यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है अपने म्यूज़िक लिरिक्स की पहली लाइन को और फिर लिखना है। और मैं जैसे अपनी म्यूज़िक की पहली लाइन लिखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी लिरिक्स की पहली लाइन लिख लिया है। और यहाँ पर मैं इसके साथ कोई अच्छा सा सिंबल भी ऐड कर लूँगा ताकि अच्छा लगे। और यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसे यहाँ से दो फिंगर से छोटा भी कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए तो मैं अपना रिसेंट वाला ही चूज़ करूँगा क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो का अकॉर्डिंग मैं ये वाला रखूँगा क्योंकि इससे फिर नज़र नहीं आएगा। और यहाँ से आप इस पर एनिमेशन भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इन एनिमेशन देता हूँ और यहाँ पर मैं आउट एनिमेशन देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर जो है इन एनिमेशन देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे, जिस तरह आपके रिलैक्स पे अच्छा लगे उस तरह आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। यहाँ पर आप टिक पे क्लिक कर लेंगे, आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये कर लिया, देख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे छोटा कर लिया। अभी आप कहेंगे कि हमें वापस इस तरह करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट पे चल जाना या कॉपी कर लेना। मैं डुप्लीकेट कर लूँ क्योंकि वो इजी है। तो यहाँ से मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गए। तो यहाँ पर आपने इसे एडिट पे चला। यहाँ पर मैं इसकी दूसरी लाइन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिरिक्स की दूसरी लाइन भी लिख ली। आप इसके साथ इमोजीज भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली इमोजी लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली लगा ली है आपको दिखाने के लिए। आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैं टिक पे चल जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी बन चुकी है। और यहाँ पर आप कैनवास में जाके इसका फ्रेम भी ख़त्म कर सकते हैं। आपको नए कैनवास पे आ जाना, उसके बाद नो फ्रेम पे आ जाना, तो आपका ये फ्रेम ख़त्म हो जाएगा और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी बन चुकी है। और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी वीडियो ऐसे हो जाएगी कि आप सोचते हैरान हो जाएंगे कि यह मैंने बनाई है। तो उसके लिए आपको फ़िल्टर में चले जाना है, इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से बीट्स में चले जाना है। तो यहाँ पर कुछ ये आप यहाँ से कोई भी इस तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है ये इफेक्ट, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट लगा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा आप इसे सेव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर सेव का लिखा है आपको यहाँ चले जाना है। यहाँ से रेजोल्यूशन फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर सेव पे कर लेना है और यहाँ पर आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।